My name is Sabine. I'm from Germany. Actually, I'm a tour operator in Germany, and I'm organizing tours all over the world, and mostly in countries which are on the list in Germany not to be visited. So this is my first time in Kashmir. I was waiting a long time to come, and now finally it happened that I was able to come. So how? We started in Spiti, then went to Zanskar, and then we came to Sonamarg into Kashmir. And now it's just only our second day. So yesterday we did a boat ride on the Dal Lake, which is very beautiful. And we're staying in the houseboat. Because we came yesterday afternoon, so we just visited the Dal Lake, and then we went to the temple up the mountain, and we went to the fortress, and now we visited the mosque, the Juma Mosque, and I think we're going to see some other places as well. There are some people in my group who also waited for a long time, and they already booked years before a tour, and then it was cancelled due to political reasons, due to German government saying not to travel, it's too dangerous. And so finally now we made it, and they are very happy that they are finally made it to the Dal Lake. Especially they came for the Dal Lake and for Kashmir itself. So I think everybody is very nice and very, very interested also. And we really enjoy, and everybody is happy. Of course, yeah, I try. So many people are following my status and see what is to see here. And so many already very curious and they want to come. सबमिट के बाद हम ये चाहते थे कि यहाँ पे एडवाइजरी खत्म होगा, मगर हुआ नहीं है। यूके ने कल ही लगाया 25 जुलाई को कि कश्मीर में एडवाइजरी है, बाकी किसी कंट्री ने हटाया नहीं है अभी तक। पर जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर हम ला रहे हैं, अब वैसे हम खुद ला रहे हैं। जैसा ये ग्रुप आ गया, इनसे फीडबैक लेने के लिए यही हम आगे दे सकते हैं, यही लोग आगे बोल सकते हैं कि यहाँ पे मसला कुछ नहीं है, ठीक है। एडवाइजरी को हटाने के लिए ऐसा ही हमको करनी मेहनत है, ऐसा ही बाइट्स लेंगे। फ्लाइट सी क्लोज थे, कोविड में तो आए नहीं कुछ, विद इन कंट्री ही चला सारा कुछ बिजनेस। अब उसके बाद जो हटा तो मेरे को दिख रहा नहीं है, क्योंकि G20 होने के बाद इतना सारा होना चाहिए था, वो हुआ नहीं है, उस वक्त उस लेवल का काम हुआ नहीं। हम जैसा हमको अभी हर मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हमको बाहर जाना पड़ता है, खुद उनके साथ कन्विंस करके उनको लाना पड़ता है कि ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। अब ये पता नहीं दुनिया का क्या रोल है इसमें, बट कश्मीरी से हम तो यही कहते हैं, हम घुमाते हैं उनको, लाते दे लीव सेटिस्फैक्टली फ्रॉम यू चाहते हैं इस पर, तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास डायरेक्टेड टूरिज्म होते हैं। हम नो डाउट हम उसको कभी भी कॉल करते हैं, इज ऑन हिज टोस, तो हमें काफ़ी मदद करता है। वो बहुत चाहता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आए, और उसकी ये एक ख्वाब है कि यहाँ पे, और काफ़ी मेहनत भी वो करता है कि एडवाइजरी देते रहते हैं उनको, पर ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होता जी। अभी जो हमारे पास काफ़ी टूर ऑपरेटर्स है यहाँ पे, ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे जो मेंबर्स है एसोसिएशन के, वो काफ़ी इनबाउंड टूरिज्म लाते हैं, वो अवार्ड विनर्स है, वो काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं विद इन कंट्री, सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं। नंबर वन है वो टूर ऑपरेटर, वो तकरीबन 1500 से 2000 टूरिस्ट लाते हैं कश्मीर इंडिया में, उसमें से वो कुछ जो उनको कन्वीनियंस होता है उनको कश्मीर होता है, वो प्रायोरिटी के ऊपर कश्मीर होता है।